ताराजोरी पंचायत के जोंडरा बेड़ा में पानी पीने की समस्या को लेकर गांडे विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद गांव पहुंचे। उन्होंने न केवल इस समस्या को संज्ञान में लिया बल्कि शनिवार को बोरिंग गाड़ी लेकर गांव पहुंचे और बोरिंग करा दी। लोगों की जुबान पर एक ही बात आ रही थी कि क्षेत्र का विधायक हो तो ऐसा। हालांकि विधायक के साथ दर्जनों समर्थक गांव पहुंचे और गांव की जनजाति महिलाओं से रूबरू होते हुए विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने कहा कि अब इस गांव के लोग नदी का दूषित पानी नहीं पियेंगे। आप लोगों के लिए बोरिंग और लोरिंग करवाकर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी। कहा कि मुझे इसकी जानकारी मिलते ही पीएचडी विभाग से संपर्क साधा और त्वरित बोरिंग कराने का आदेश दिया। इस मौके पर जनजाति गांव के मांझी हडाम ने भी बिजली की समस्या से अवगत कराते हुए विधायक को कहा कि इस गांव में पोल और तार आने में 4 साल हो गए लेकिन अब तक बिजली नहीं आई है। यह बात सुनकर विधायक अचंभित रह गए और तुरंत संपर्क साधकर बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता से ऐसी समस्या को त्वरित निष्पादन करने का आदेश दिया। कहा कि सप्ताह दिन के अंदर इस गांव में भी बल्ब जलेगा। कहा कि क्षेत्र की जन समस्या का निराकरण करना ही मेरी प्राथमिकता है। कहा कि मैं सेवक हूँ, मालिक तो मेरी जनता है जिसने मुझे उम्मीद के साथ विधानसभा में गांडे विधायक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। मैं उस जनता का आभारी हूँ और मैं उसके हर सुख दुख में हमेशा खड़ा हूँ। कहा कि समस्याएं तो अनेक है लेकिन हेमंत सरकार ने उन सभी समस्याओं का निराकरण करने का संकल्प लिया है। पूरे देश इस वैश्विक महामारी में उलझ गया है जिसके कारण झारखंड की विकास गति धीमी हो गई थी। जल्द ही विकास की पटरी पर झारखंड को लाने का काम किया जा रहा है। कहा कि कोरोना एक बार फिर झारखंड में बढ़ने की दस्तक दे रहा है। हम सबों को एहतियात बरतने की आवश्यकता है। मास्क का प्रयोग के अलावा कोविड-19 के नियमों का अनुपालन अवश्य करें। इसके पूर्व पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार गांव की जनजाति महिलाओं ने विधायक का स्वागत किया। मौके पर हसनैन आलम उर्फ टिकू, नूनूलाल किस्कू उर्फ टाइगर, जैनवल अंसारी, वरीय नेता मोतीलाल शास्त्री, दीपक पाठक, इनामुल हक, सहनवाज अंसारी, रविलाल हंसदा समेत दर्जनों लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाधान इंडिया। देखिए, जोंडरा बेड़ा गांव में पानी की बड़ी दिक्कत थी और जिसको आप लोगों ने उजागर किया, ध्यान आकर्षित किया और निश्चित रूप से कोशिश करके, प्रयास करके, इंजीनियर साहब से बात करके और हमारे साथी लोग भी सब आए, सब लोगों ने रिपोर्ट दिया और आज हम लोग ने यहाँ पर मशीन लेकर के पीएचडी डिपार्टमेंट का आए हैं। इंजीनियर साहब यहीं पर हैं। उम्मीद है कि आज रात तक इसका समाधान हम लोग कुछ कर देंगे। आने के बाद हमारे एक जो इस गांव के मांझी हड़ा में उन्होंने ध्यान आकर्षित किया कि बिजली का तार तो झूल गया है गांव में लेकिन बिजली नहीं आई है। और जबकि जो प्रोजेक्ट जिसके हाथ में है वो, उसने रिपोर्ट दे दिया कि हर गांव में बिजली पहुंच गई है। आपके सामने हमने अभी बात किया है तो ये पता चला कि कागज़ में इस गांव का विद्युतीकरण हो गया है लेकिन व्यवस्था ये है कि इस गांव में बिजली आई ही नहीं। निश्चित रूप से हफ्ता 10 दिन लगेगा इस गांव में और इस तरह के जितने ऐसे गांव हैं जहां फॉल्स रिपोर्ट दे दिया गया है कि बिजली जल गई है और वहां बिजली नहीं चली है, तो प्रयास करके अविलंब इस तरह के गाँव में हम बिजली ज़रूर दौड़ा देंगे। ट्रांसफार्मर की जहाँ दिक्कत होती है, जैसे ही सूचना मिलती है उस पर कार्रवाई की जाती है जितना जल्द से जल्द हो जाता है। देखिए, हम लोग सेवक हैं, इन लोगों ने, ये हमारे मालिक हैं, हमारे वोटर हैं, इन लोगों ने चुना है। विधानसभा में रहूं या विधानसभा के बाहर रहूं, इनकी आवाज़ को मैं बुलंद करता रहूँगा। और मैंने बताया अभी आपसे कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी हर छोटी बड़ी चीज़ों की संज्ञान में लेते हैं और वो इस खोज में हैं, उसमें लगे हुए हैं कि किसी तरह आर्थिक व्यवस्था हमारी सुधार जाए झारखंड की, जिससे यहाँ पर गरीब गुरबा जो हमारे जंगल में रहने वाले भाई हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए। आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।